Hello friends, welcome back to my channel. तो मैं आज my boss is my husband का part 3 लेके आई हूँ and ये part में ना बहुत ज़्यादा है means 18 plus scene है. तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप ना सुनने से पहले earphones लगा लो वरना मुझे नहीं मालूम. तो ये स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने लास्ट पार्ट में बोला था कि विंग ना पूरे कपड़े उतारने लगता है, मीन्स वो ना जस्ट शर्ट उतारता है एंड ना पैंट उतारने के लिए ना वो बेल्ट निकाल रहा था. तो यह ना वंगजिन आता है, बोलता है कि तुम कपड़े मत उतारो वरना मैं यहाँ से चल जाऊँगा, बोलता है. तो स्टोरी को स्टार्ट कंटिन्यू करेंगे. तो उसके बाद वंगजिन बोलता है कि तुम अगर कपड़े उतारे तो मैं यहाँ से चल जाऊँगा, बोलता है. तो यहाँ ना मिंग ना उठता है एंड हल्लू हल्लू वंगजिन के पास ना जाने लगता है और बोलता है कि तुम ना वो ना बहुत ज़्यादा सेट यूजिंग वॉइस में बोलता है कि मुझे ना बहुत ज़्यादा ना गर्मी हो रही है तो तुम मुझे और गर्मी फील कराओगे क्या, बोल के ना बोलते हुए ना वंगजिन के सामने चल जाता है एंड वो ना धीरे धीरे वंगजिन के नेक के अराउंड हाथ फैलाते हुए बोलता है कि क्या हम लोग करेंगे क्या, बोल के वो ना वो ज़्यादा सेड्यूसिंग वॉइस में बोल रहा था. तो यहाँ ना वंगजिन का हालत ना बहुत ज़्यादा बुरा जाता है, मीन्स उसको ना बहुत स्वेट हो रहा, वो ना बहुत ज़्यादा स्वेटी स्वेटी हो गया था एंड यह ना विंग ना वो ना और सेड्यूस करने की कोशिश करता है. यह ना थोड़ी देर के बाद ना वंगजिन ना वो ना एक्साइटेड हो जाता है, मतलब समझ जाओ तो एक्साइटेड हो जाता है. तो विंग ना देख लेता है तो वो बोलता है कि क्या मैं हेल्प करूँ. तो यह ना वंगजिन को ना कुछ भी समझ में नहीं आता है. तो यह ना विंग बोलता है कि चलो मैं हेल्प करूँगा एंड यू कैन यूज़ माय बॉडी, बोला है. तो यह ना वंगजिन को ना कुछ भी समझ में नहीं आता है, मीन्स ये क्या बोल रहा है, मीन्स आज ही सुन लिया एंड ये सब क्या हो रहा है, बोल के सोचता है, ऐसे सोच रहा था. तो यह ना विंग ना उसको ना किस करता है तो उन दोनों का किस ना बहुत डीप में बदल देता है. अभी वंगजिन ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था तो अभी उसका अभी कंट्रोल ब्रेक हो गया है. तो वो भी ना बहुत ज़्यादा डीप किस करने लगते हैं एंड करते करते ना उन ना बेड के पास आ जाते हैं एंड आने के बाद बोल नहीं सकते, इतना ज़्यादा सेक्स करते हैं. तो मैं वो पार्ट्स को ना इतना डिटेल में नहीं बोल सकती हूँ. तो आप लोग ना आपके डर्टी मैथ्स यूज़ कर लो एंड आप ना और सोच लो, मीन्स वो लोग कैसे कर रहे हैं, आप लोग ना आपके मर्जी के हिसाब से ना सोच लो. तो उसके बाद ना सो जाते हैं एंड यहाँ सुबह हो जाता है. सुबह होने के बाद ही ना वंगजिन को ना उसके भाई का कॉल आता है एंड बोलता है कि उसका भाई तुम मेरी शादी में क्यों नहीं आए, बोल के ना उसका भाई पूछता है. तो यहाँ ना वंगजिन बोलता है कि सॉरी मैंने ऐसा कहा वो ये बोल के ना वो उठता है एंड वो कितना हो सके उतना जल्दी जल्दी कपड़े पहनता है एंड वो अभी चल जाता है. मीन्स उसका भाई ना बुला रहा था, मीन्स घर को आओ अभी भी नहीं आए तुम, वो ये बोल के ना उसका भाई बुला रहा था. तो वंगजिन सोचता है कि अभी मैं चल जाऊँगा, बाद में इसके साथ बात कर लूँगा, बोल के वंगजिन ने सोच के ना वो चल जाता है. तो उसके बाद ना विंग उठता है एंड उठने के बाद ना तो उसको ना कुछ भी याद नहीं रहता है पर उसको समझ में आ जाता है, मीन्स सिचुएशन मीन्स बेड एंड आजू बाजू में देखते ना उसको समझ में आ जाता है कि क्या हुआ था पर किसके साथ हुआ था वो कुछ भी याद नहीं रहता है. तो यामिन ना बहुत ज़्यादा डर जाता है, मीन्स क्या हुआ मेरे साथ एंड उसके ना कुछ भी याद नहीं, मीन्स किसके साथ हुआ वो बंदा
याद नहीं, तो यह ना विंग ना उसके घर से रहता है, एंड तो उसके घर के जाने के बाद ना उसके अंकल के साथ बात की डिस्कस करने के सोचता है, पर उसकी इतना हिम्मत नहीं हो रहा था। तो वो ना उसकी मम्मी के पास जाता है एंड बोल देता है कि ये सब हुआ था एंड मुझे किसके साथ हुआ वो कुछ भी नहीं मालूम, बल्कि उसकी मम्मी को बोलता है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि अच्छा ठीक है, नहीं तुम ना ज़्यादा वरीड मत हो एंड कुछ भी हुआ तो हम लोग देखेंगे, मीन्स अगर तुम प्रेग्नेंट हो गए तो हम लोग सर्च करेंगे, नहीं हुआ तो अभी छोड़ दो उसको। वो ये बोल के वो लोग ना बात करते हैं। तो यह ना क्या होता है मैडम, उसके अंकल ना सुन लेते हैं, सब कुछ सुन लेते हैं। तो उसका अंकल बोलता है कि हाँ तुम ना तुम्हारी माँ को ही बोलो, मुझे ना कुछ भी मत बोलो, हाँ मैं यहाँ तुम्हें लेके आया हूँ। तो मैं यहाँ स्टोरी बोल रही हूँ कि ये यहाँ क्या होता है मैनो, विंग ना अनाथ था, तो यहाँ ना उसके अंकल देखते हैं एंड देखने के बाद ना वो ना बहुत ज़्यादा क्यूट एंड इनोसेंट था, तो उसको उसके अंकल को ना विंग ना बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, तो उसको ना अनाथ आश्रम से ना लेके आता है एंड लेके आने के बाद ना उसकी बहन से मिलाता है। तो मिलाने के बाद ना थोड़े दिनों के बाद ना उसकी बहन को ना विंग ना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो उसकी बहन बोलती है कि मैं ना उसको अडॉप्ट कर लूँगी एंड एज इन ये अभी से मेरा बेटा है बोलती है। तो यह ना विंग को ना बहुत खुशी होती है, मीन्स अभी उसकी उसकी एक माँ है एंड एक परिवार टाइप है बोल के ना उसका ना थोड़ा बहुत खुश होता है। तो तब से लेके अभी तक ना पूरे बातें ना विंग ना उसकी मम्मी को ज़्यादा शेयर करता है, उसके अंकल को शेयर करने से वो डरता है क्योंकि उसके अंकल ना सही गलत में फ़र्क बोलते हैं पर डंडे से, पर या उसकी मम्मी ना उसको ना समझाती है उसको समझाती है पर उसके अंकल ना डंडे से समझाते हैं। तो या ना विंग ना उसकी मम्मी को पास ही जाता है ज़्यादातर। तो ये था फ्लैशबैक एंड तो अभी प्रेजेंट पे जाएंगे। तो उसके अंकल बोलते हैं कि अभी तुम क्या बोलना चाह रहे हो बोल के वो उसके अंकल ना पूछते हैं। तो विंग ना कुछ भी नहीं बोलता है, वो ना बोलते तो डर जाता है, मीन्स उसके अंकल ना बहुत ज़्यादा डांटते हैं पर उतना ही प्यार करते हैं, इसलिए ना वो ना बहुत ज़्यादा डर जाता है कि अभी क्या करे बोल के। अभी उसके बाद ना उसके अंकल ना उसको ना डांटते नहीं है, उसको ना बैठ के समझाते कि भी तुम ना मेरे साथ हॉस्पिटल में चलो बोलता है। तो सोचता है कि अभी हॉस्पिटल क्यों बोल के, वो ना डरता है एंड सोचता है। तो उसके अंकल ना लेके जाते हैं हॉस्पिटल एंड उसका पूरा चेकअप पूरा करते हैं। तो उसके बाद ना वो डॉक्टर बोलता है कि तुम ना ड्रिंक मत कीजिए क्योंकि तुम ना ड्रिंक करे तो ना तुम्हारे हॉर्मोन्स ना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं एंड सेक्स करने की लस्ट ना ज़्यादा आ जाता है, तो तुम ना अभी से ना ड्रिंक करना ना बंद कर दो, अगर तुमने पिया है तो भी जितना हो सके उतना कम ही पियो, तुम ना ज़्यादा मत पियो वरना तो तुम ज़्यादा पिए तो अभी यही सिचुएशन होगा एंड अभी तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मीन्स तुम्हें ना कोई भी याद नहीं रहेगा एंड कोई भी बंदा आके तुम्हें करके चले जाएगा एंड तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा बोलता है। तो विंग बोलता है कि ठीक है मैं अभी इससे ज़्यादा नहीं पीऊँगा बोलता है। तो उसके अंकल बोलते हैं कि तुम ज़्यादा क्या पियोगे इतने बोलता है। तो विंग बोलता है कि ठीक है नहीं पीऊँगा बोलता है एंड तो आज के लिए इतना ही एंड वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड
एंड मुझे ना ये बोलना है कि लास्ट वीडियो में ना मैंने ना नाम बाया हो गया था, वो ना एडिटिंग मिस्टेक था, तो मुझे ना माफ़ कर दो। तो या ना क्या हुआ, मतलब उस टाइम में ना मेरे पास ना 1 घंटा था, 1 घंटे में या वीडियो क्या बनाऊँ, उसको ना सेट करना है, वो सब था। आई एम घर में ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था, तो वह ना माना, थोड़ा बहुत यहाँ आ गया था। तो मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।